A conducting sphere, capital A, of radius small a, with charge, capital Q, is placed concentrically inside a conducting shell B of radius small b. B is earth. C is the common center of capital A and capital B. Study the following statement. तो हमें यहाँ पर जो देखना है वो देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. पहला स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सी वेयर ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉल आर. मतलब जो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल लिखा जा रहा है वो इन दोनों स्फीयर्स के बीच में है. उसकी वैल्यू है 1/4πε0qr. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 1/4πε0q(1a-1b). द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सी वैल्यू 1/4πε0q/r-q/b. कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको ये चेक करना है. तो देखिए दिस इज द कैपिटल ए स्फीयर एंड दिस इज द कैपिटल बी स्फीयर. अर्थ करने की वजह से जो कैपिटल बी पर बाहर चार्ज पॉजिटिव होगा वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा. अगर मुझे किसी पॉइंट जो पॉइंट पी लाई करता है इन दोनों स्फीयर के बीच में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो मैं ए की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूंगा, बी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूंगा, दोनों को सम कर दूंगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर होगा टोटल चार्ज इंटू के डिवाइडेड बाई आर. और हम जैसा कि जानते हैं कि किसी मेटल के अंदर स्फीयर हो जब तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है. तो सरफेस पे पोटेंशियल मान के चल रहे हैं ये भी अर्थ नहीं है तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाई बी. तो टोटल पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पी हो जाएगा के क्यू आर माइनस के क्यू बाई बी. तो एक आंसर आ गया जहां पर आर हमारा लाई करता है ए एंड बी के बीच में. अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो बच्चों जो बड़ा वाला स्फीयर है अपना अर्थ है इसका पोटेंशियल जीरो होगा और जो छोटा वाला पोटेंशियल है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम आर की वैल्यू स्मॉल ए रखते हैं. तो स्मॉल ए रखने पर हमें ये पोटेंशियल मिलेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और वी बी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए हो जाएगा और हमने वी ए अभी कैलकुलेट कर लिया है.